नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं टेकी गिजेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज का जो वीडियो है, मैं आज करने वाला हूं कंपैरिजन दो फोन का, क्योंकि पहला फ़ोन है ओप्पो A7 और दूसरा है वीवो का Y95। दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट ब्रैकेट में आते हैं, करीब 17-18 हज़ार रुपये के आसपास हैं इनकी। और एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, इसे कौन सा आपको लेना चाहिए, सब कुछ की करेंगे बात। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों ये जो फ़ोन है ओप्पो A7 और वीवो का Y95, इन दोनों की कॉस्ट जो है वो है करीबन 18 हज़ार रुपये, जो कि मार्केट में कुछ डिस्काउंट के बाद ऑलमोस्ट 17 हज़ार रुपये के आसपास दोनों फोन आपको मिल जाएंगे। तो अब एग्जैक्टली आपको 17 हज़ार रुपये में कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और आपको किस में क्या अच्छा मिलेगा, स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, एग्जैक्टली वो देखने के लिए हमें सबसे पहले इस फ़ोन को ओपन करना पड़ेगा। तो हम बॉक्स को ओपन करते हैं। मैं इन दोनों फोन से बूट कर लेता हूँ और स्टार्ट करने के बाद हम एग्जैक्टली चेक करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं फोन के अंदर। तो दोस्तों हमारे दोनों फोन्स हो गए ऑन। अब एग्जैक्टली अगर हम चेक करना चाहें कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए सबसे पहले बात करता हूँ फिजिकल ओवरव्यू की। इन दोनों को देखने में जो फिजिकल लुक एंड फील है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों फोन का, बहुत प्रीमियम दिखते हैं दोनों फोन। और दोनों का जो डिज़ाइन है वो जो सिग्नेचर डिज़ाइन होते हैं बाकी फोन के एग्जैक्टली वैसे ही है। वीवो का ये जो है वीवो Y95 ये डुअल कलर टोन में आता है। इसके जो बैक में ये जो कलर्स है ये थोड़ा ग्रेडियंट है, ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन मेरे पास में। और बाकी इट लुक्स डेफिनेटली लुक्स प्रीमियम फ़ोन। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओप्पो की, तो इसका जो बैक है ये ग्लॉसी फिनिश, हालांकि दिस इज़ अ पॉलीकार्बोनेट मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है, बट दिखने में डेफिनेटली फ़ोन अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन फ़ोन के डिस्प्लेज की, तो इन दोनों फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों ही में है IP सेंसिटिव पैनल जो कि 6.2 इंचेस का है। ये HD+ रेजोल्यूशन की स्क्रीन है, फुल HD नहीं है, तो अगर आप लेना का सोच रहे हैं तो पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा दोनों की जो ब्राइटनेस है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन दोनों में अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की, तो डेफिनेटली जो ओप्पो का A7 है उसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू वीवो Y95। उसके अलावा दोनों ही में जो नॉच है वो ड्रॉपलेट नॉच है, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे भी आजकल ड्रॉपलेट नॉच का जो ट्रेंड है वो चल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूँ इन फ़ोन के प्रोसेसर और रैम की, तो इन दोनों फ़ोन में आपको जो रैम मिलेगी वो मिलेगी 4GB, स्टोरेज जो है वो है 64GB, जो कि एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। लेकिन एक डिफरेंस जो दोनों फ़ोन में है वो है इसके प्रोसेसर का। ओप्पो A7 में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 450, जहाँ की आपको वीवो Y95 मिलेगा स्नैपड्रैगन 439। तो ये एक डिफरेंस है, डेफिनेटली ओप्पो यहाँ पे ज़्यादा फास्ट है। तो आपको इवन दो दोनों ही फ़ोन का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो शायद उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ओप्पो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेगा कम्पेयर टू योर वीवो Y95। अब हम बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स के कैमराज की। तो देखिए इन दोनों फ़ोन में जो कैमरा है बैक में वो डुअल कैमरा सेटअप है दोनों इस दोनों फ़ोन में, और जो कैमरा है वो है 13+2 मेगापिक्सल का, एग्जैक्टली सेम है दोनों फ़ोन में। लेकिन जो फ्रंट है वो डिफरेंट है यहाँ पे। इसमें ओप्पो A7 में आपको जो कैमरा मिलेगा फ्रंट में वो है 13 मेगापिक्सल का, जहाँ की वीवो Y95 मिलेगा 20 मेगापिक्सल का। तो अगर आपको सेल्फीज़ का बहुत शौक है और अगर आपको सेल्फी खींचनी है खासकर, तो डेफिनेटली वीवो इज़ अ बेटर ऑप्शन, आप वीवो खरीद सकते हैं। लेकिन बैक कैमरा इज़ एग्जैक्टली सेम। उसके अलावा मैं आपको कैमरा के कुछ सैम्पल्स भी डाल दूंगा वीडियो में, तो आप खुद चेक कर पाएंगे कितना डिफरेंस है। क्वालिटी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है दोनों कैमरास। अब अगर मैं बात करूँ दोनों फ़ोन के बैटरी की, तो ओप्पो की जो बैटरी है वो थोड़ी ज़्यादा है कम्पेयर टू वीवो। ओप्पो में मिलेगी आपको 4230 mAh की बैटरी, वहीं पे आपको वीवो में मिलेगी 4030 mAh सिर्फ, तो 200 mAh का फ़र्क है। तो डेफिनेटली वैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ओप्पो के फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है इसकी वो बहुत अच्छी है। आपके फुल यूजेस पे, नॉर्मल यूजेस पे आप आराम से 2 दिन तक इसकी बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीवो की बैटरी भी अच्छी है, लेकिन कंपैरिजन में डेफिनेटली ओप्पो स्टैंड्स आउट। अगर आपका यूजेस बैटरी को लेकर बहुत ज़्यादा है और अगर आपको कहीं आउटडोर रहना होता है और आप चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ओप्पो A7 इज अ गुड ऑप्शन। अब अगर बात करूँ दोनों फ़ोन के सिक्योरिटी ऑप्शन की, तो दोनों ही फ़ोन में बैक में आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर, और जो फ्रंट में इन दोनों में फेस अनलॉक भी दिया हुआ है। तो मैंने इन दोनों को रजिस्टर कर दिया, मेरे फेस और फिंगर को, तो जरा चेक करते हैं दोनों की स्पीड। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ वीवो को, तो वीवो का देखिए आप, ये एक्चुअली बहुत फास्ट है। मतलब मैंने यहाँ फिंगर टैप किया एंड दिस इज ऑलमोस्ट अनलॉक, तो 0 lakh के साथ में ओप्पो इज ऑल्सो वेरी फास्ट। तो आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस दोनों में है यहाँ पे, तो अनलॉक डेफिनेटली फिंगरप्रिंट इज ऑलमोस्ट लाइक सेम, तो कोई फोन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ फेस की, तो फेस में देखिए, सो यहाँ पे आई थिंक ओप्पो इज ब्रिट फास्ट। तो ओप्पो A7 डेफिनेटली थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो रहा है, इस बहुत कम डिफरेंस है डेफिनेटली, कुछ माइनर नैनो सेकेंड्स का, बट
डेफिनेटली ओप्पो का जो फेस है वो डेफिनेटली थोड़ा सा फास्ट है कम्पेयर टू योर वीवो Y95। अब अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो ओप्पो A7 इज कंपैरेटिवली अ बेटर फोन। ओप्पो A7 हैज़ गॉट अ बिग बैटरी, इट हैज़ गॉट अ फास्ट प्रोसेसर कम्पेयर टू योर वीवो Y95। एक सिर्फ एक चीज़ जहाँ पे वीवो Y95 इज बेटर इज द कैमरा, द सेल्फी कैमरा। इसका जो सेल्फी कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का, जहाँ पे ओप्पो का है सिर्फ 16 मेगापिक्सल का। तो अगर आपको सिर्फ कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए तो देन डेफिनेटली यू कैन कंसिडर ओप्पो। और अगर कैमरा नहीं और उसके अलावा बाकी बैटरी लाइफ और प्रोसेसर और वो सब कुछ अगर आपको करना है तो देन ओवरऑल को देखने के ओवरऑल अगर दोनों कंपेयर करें तो डेफिनेटली ओप्पो A7 विंस हियर। तो अगर मेरा बजट 17,000 रुपए का है और मुझे इन दोनों में से कोई फ़ोन खरीदना है तो मैं डेफिनेटली पिक करूंगा ओप्पो का A7, बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा फास्ट है और इट हैज़ गॉट अ बिग बैटरी लाइफ। तो माई रिकमेंडेशन वुड डेफिनेटली बी ओप्पो A7। लेकिन अगर आपको सेल्फी ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेंस है और आपको कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो देन डेफिनेटली यू कैन कंसिडर योर ओप्पो वीवो Y95 ऑल्सो। ये जो दोनों ही फ़ोन हैं इनके जो रिव्यू यूनिट्स हैं ये मुझे कुमावत मोबाइल पॉइंट है जयपुर में, वहाँ से ये मुझे मिले हैं रिव्यू के लिए। तो अगर आप खरीदना चाहें इन फोन्स को तो डेफिनेटली आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आपको आई थिंक वहाँ पे अभी डिस्काउंट का एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप खरीदेंगे तो वहाँ पे 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। लिंक जो लोकेशन टैग है और जो नंबर है वो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली वहाँ से चेक कर सकते हैं, कॉस्ट वगैरह योर चॉइस। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इन दोनों फोन्स के बारे में या तो कोई सुझाव है मेरी वीडियो के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे और इस तरह की कंपेरिजन आप मिस ना करें। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।